अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे दही के पसींदे। तो देखिए, मेरे पास ये आधा किलो पसींदे हैं। देखिए, पसींदे इस तरीके से बनाकर लेना होते हैं, बड़े बड़े। और ये हमारे पास दो मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज है। प्याज इसमें ज़्यादा नहीं जाती, बस दो ही प्याज लेना है हमें। और ये 10 से 12 सूखी लाल मिर्च है। और ये खड़े गर्म मसाले हैं। ये 1 टीस्पून शाहजीरा है, 2 खलमी के टुकड़े हैं, 10 से 12 काली मिर्च है, और 4 लौंग है, और 2 हरी इलायची है। हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेंगे। और ये 250 ग्राम दही है, इसमें दही ज़्यादा जाता है। तो हम सब में पहले पसींदों को मैरिनेट कर लेंगे। हम इसमें अपने हिसाब से नमक डालेंगे। नमक इसमें थोड़ा कम ही रखना होता है, क्योंकि दही जाता है तो उससे खारा लगता है ये, तो नमक कम ही रखना है। और हम ये दही डाल देंगे। और ये खट्टा दही लेना है और काढ़ा दही। और ये खड़े गरम मसाले भी डाल देंगे हम। और ये मिर्ची और प्याज भी डाल देंगे हम। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 2 टीस्पून अदरक लहसुन डालेंगे। और इसमें हम अपने हिसाब से तेल भी डाल देंगे हम। और इसे हम गोश्त के अंदर इसे इस सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेट आधा घंटे तक के रख देंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है सारे मसालों में गोश्त। और अब हम इसे आधा घंटा रख देंगे। देखिए, आधा घंटा हो चुका है। और अब हम एक कुकर ले लेंगे। और ये हम पसींदे कुकर के अंदर डाल देंगे। और ये कुकर में ही बनता है। देखिए, हमने सारे पसींदे इसमें डाल दिए। और इसमें हमने और भी तेल डाले। तेल इसमें सारा एकदम ही डालना होता है। और अब हम इससे कुकर का ढक्कन लगाकर इसकी 4-5 सीटी ले लेंगे। और अब हम देखिए, हमने गैस चालू कर दिए और इसे हम 4-5 सीटी ले लेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है और ये गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे कढ़ाई में डालकर इसकी भुनाई करेंगे। देखिए, हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम ये सारा गोश्त डाल देंगे। देखिए, अब इसकी हम भुनाई करेंगे। ये जब तक इसका सारा पानी सूख नहीं जाता, हम जब तक इसकी भुनाई करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। और देखिए, इसका तेल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, गरम मसालों की, दही की। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें बहुत ज़रा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। आप चाहें तो इसमें नहीं भी डाल सकते पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें साबित गरम मसाले होते हैं, लेकिन हम बहुत ज़रा सा डालेंगे तो इसमें और अच्छी खुशबू आएंगी गरम मसाले की। बस मैं इतना ही डालूँगी गरम मसाला, ज़्यादा नहीं। देखिए, हम गरम मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम कोथमीर और पुदीना भी डाल देंगे। देखिए, हमारे पास ये 1 मुट्ठी कोथमीर है और 1 मुट्ठी हमारे पास पुदीना है, वो भी डाल देंगे। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे। देखिए, खुशबूदार और मसालेदार दही के पसींदे बनकर रेडी हो चुके हैं। और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।